इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेली भर्तियाँ निकाल दी गई बीच में, लेकिन यहाँ पर रेली भर्त में शॉर्ट लिस्ट के नाम पर यहाँ पर एयरफोर्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है कि उनका एग्जाम करवाया जाए, जो इनटेक 1/2020 है, जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का एग्जाम होने वाला था, जिसकी डेट मार्च में थी, लेकिन कोविड के चलते उसे पोस्टपोन कर दिया गया, लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है। इस साल की एक और भर्ती है, उसको डिले किया जा रहा है कोविड के कारण। तो यहां पर लगातार अभ्यर्थियों को इंतजार हो रहा है। इसी के बीच में आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई की एग्जाम डेट आ चुकी है। कम समय में कैसे तैयारी करे, कैसे सिलेक्शन ले दोस्तों, कब से आपका यह रिटर्न टेस्ट होगा एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई, इस बार आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है, कट ऑफ की बात करेंगे कि कट ऑफ क्या इस बार कट ऑफ कम रहेगी या कट ऑफ ज्यादा रहेगी दोस्तों। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं, जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है एग्जाम को लेकर। जी हां दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियली वेबसाइट है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की, और उसी पर यह बड़ा नोटिस है जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूं, जिसमें क्या क्या चीजें यहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई है एग्जाम को लेकर आपके। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल इंडियन नेपाली कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर द इनटेक 1/2021 टू जॉइन एज एयरमैन ग्रुप एक्स ट्रेड एक्सेप्ट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड एंड ग्रुप वाई ट्रेड एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन इंडियन एयरफोर्स पुलिस इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी एंड म्यूजिशियन ट्रेड के लिए जो आपकी वैकेंसीज आई थी, उसकी एग्जाम डेट यहां पर आपकी पब्लिश कर दी गई है। लंबा समय का इंतजार हो चुका है, लेकिन आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपकी जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी गई है दोस्तों। 100% इस बार आपकी एग्जाम इस तारीख को करवा ली जाएगी, क्योंकि एग्जाम है वो कंपटीशन के जितने भी आपके एग्जाम है वो फिर से एक बार पटरी पर आना शुरू हो चुके, 10+2 जैसे बड़े एग्जाम भी यहां पर हो चुके, साथ में एनडीए का एग्जाम हो चुका है, आगे आपके राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ में अलग अलग स्टेट के पीसीएस के एग्जाम भी होने वाले। तो इन सब को देखते हुए यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। दोस्तों 4 नवंबर से आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा और ये आपका 8 नवंबर तक चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 8 नवंबर तक आपका ये चलने वाला है। इसके लिए आपको यहाँ पर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी डेट भी यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, कि 10 जून 2021 को फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। उससे पहले सारी प्रक्रियाएँ आपकी पूरी करवा ली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको लंबे समय के इंतजार के बाद में, अगर आपका सपना है कि मैं भी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स या फिर ग्रुप वाई में भर्ती हूँ, तो इससे बड़ा मौका आपके पास में नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार आपकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस साल की 2 वैकेंसियों को एक ही वैकेंसियों में काउंट की जाएगी, क्योंकि इस साल की दूसरी भर्ती इंडियन एयरफोर्स की नहीं हो पाई है। तो ऐसे में इस साल में एक ही भर्ती होने वाली है, तो पोस्टों की संख्या आप इसमें डबल मान सकते हो, कट ऑफ आपकी कम जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ आपकी कम रह जाएगी, इसके लिए आपको ज़्यादा मौका यहाँ पर मिल जाएगा, खासतौर से एयरफोर्स ग्रुप वाई वाले कैंडिडेटों के लिए, क्योंकि एक्स की ऑलरेडी रैली भर्ती हो चुकी है, जबकि वाई की अभी तक ना तो रैली भर्ती हुई है और ना ही अलग से कोई भर्ती करवाई जा रही है। तो यहाँ पर वाई ग्रुप वाले कैंडिडेटों के लिए खासतौर से अच्छी खबर है, जबकि एक्स ग्रुप वालों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी में इस बार ज्यादा संख्या में आपके वैकेंसीज आने वाली है। तो दोस्तों अच्छी मेहनत करें, अब आप यह ना सोचे कि मेरा एग्जाम फिर से पोस्टपोन कर दिया जाएगा, अब पोस्टपोन नहीं होने वाला है। अब जो डेट आपकी 4 नवंबर आ चुकी है वो कंफर्म डेट है और इसी तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।